खबर मध्य प्रदेश के नागदा से है, जहां व्यापारी संघ संरक्षक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह कार्रवाई कृषि विभाग के उप संचालक और कलेक्टर के पत्र पर कार्रवाई हुई। आवेदन में कृषि विभाग के उप संचालक और कलेक्टर के पत्र पर भी श्री विनायक मार्केटिंग के संचालक नागदा व्यापारी संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल पर धोखाधड़ी का केस मंडी थाने पर दर्ज किया गया। मामले को लेकर थाना प्रभारी रामचंद्र शर्मा ने बताया कि जगदेव सिंह पिता धारा सिंह चौहान की शिकायत पर धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाइयां बेचता आ रहा है। वही मामले को लेकर जानकारी नगरपालिका के संबंधित अधिकारियों को नहीं है। दवाई हुई के मामले में इसमें क्या है, कृषि अधिकारी श्री जगदेव सिंह चौहान द्वारा एक नागदा के व्यापारी हैं, प्रोप्राइटर विनायक मार्केटिंग के, उनके विरुद्ध उनको जांच प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने जांच करके सिद्ध करके थाना नागदा में प्रस्तुत की थी और इसमें 420 IPC का अपराध पंजीकृत किया गया। आगे उनको थाने में तलब करके और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उनको पाबंद किया गया है।